सौंदर्या संग डेटिंग की खबर पर साजिद खान ने तोड़ी चुप्पी। साजिद खान ने सौंदर्या को बताया अपनी छोटी बहन। बिग बॉस सीजन 16 के बाद दोनों की डेटिंग की खबरों ने मचाया था बवाल। टीवी रियलिटी शो में अब्दू रोजिक बतौर कंटेस्टेंट नजर आए। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अब्दू रोजिक ने बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट्स की रियूनियन के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और अब्दू रोजिक के यहाँ हुई पार्टी में साजिद खान, सौंदर्या शर्मा और बिग बॉस सीजन 16 के तमाम कंटेस्टेंट्स नजर आए। और इस दौरान यह खबर तेजी से सुर्खियां बटोरने लगी कि साजिद खान और सौंदर्या शर्मा के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रही, बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बीच भी यह खबर पहुंच गई और जाहिर तौर पर यह बात साजिद खान को भी पता चली। तो ऐसे में साजिद खान की तरफ से अब बयान सामने आया है और साजिद खान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि सौंदर्या और उनके बीच कोई भी खिचड़ी नहीं पक रही है, बल्कि वो सौंदर्या को अपनी छोटी बहन की तरह देखते हैं। साजिद खान ने यह भी बताया कि वो अभी भी सिंगल हैं और उनका अफेयर फिलहाल किसी के साथ नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि साजिद खान की फिल्म में सौंदर्या नजर आएगी, इस तरह की खबर भी सामने आई थी। हालांकि साजिद और सौंदर्या की तरफ से अभी इसकी औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि साजिद खान ने सौंदर्या के साथ डेटिंग वाली खबर को अफवाह बताया है और अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बताया है कि वो सौंदर्या को अपनी छोटी बहन समझते हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 16 के बाद ही सौंदर्या और साजिद की खबरें सामने आई थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दरअसल इनकी तस्वीरें सामने आई थी और उन तस्वीरों पर ये सवाल पूछा गया था कि इनके बीच आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों स्माइलिंग फेस के साथ पोज देते हुए नजर आए थे और उसी के बाद से ये विषय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था। हालांकि हाल ही में शेखर सुमन के घर हुई पार्टी के दौरान भी शालीन भानोट सौंदर्या और साजिद से ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर आपके बीच क्या चल रहा है। और यही कारण है कि अब साजिद खान की तरफ से सफाई सामने आई है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।